अपने पास फैराडे का एक्सपेरिमेंट, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल गया है, बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स वी कैन प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। अगर हमारे पास फ्लक्स में चेंज होने की कोई क्राइटेरिया है तो हम कह सकते हैं कि सर्किट में क्या आ गया, आईसी यानी कि इंड्यूस करंट। और अगर सर्किट में इंड्यूस करंट है इसका मतलब सर्किट में क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। उस इंड्यूस ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो किससे पता चलता है, अप्लाइंग लेंज़स लॉ, लेंज़स लॉ को अप्लाई करके। लेंज ने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जिस वजह से प्रोड्यूस होता है हमेशा इंड्यूस ईएमएफ ऐसे डायरेक्शन में बनेगा कि वो उस वजह का ही क्या करता है, अपोज करता है। फिर से मैं उस एग्जांपल के ऊपर आपको चर्चा करने वाला हूं, एक रिकॉल करवाता हूं, ध्यान से समझना। आपके पास एक कहां के ओरिंग लो, अभी आज जिसने आंसर दे दिया मतलब फाइनल हो गया, ठीक है। ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, इस मैग्नेट को मुझे इसके पास लेके आना है और दूर लेके जाना है। ये वाला सरफेस नॉर्थ पोल है, तो ये बताइए कि ये कॉइल भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह। और अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ ये कॉइल इस तरह से बिहेव करेगा कि इसमें जो मैग्नेट है उसका यहां पे भी क्या होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि इसका क्या था, नॉर्थ, और इसका भी क्या होगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ होने के लिए मुझे अब 100% इस कॉइल को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अरे ये नॉर्थ है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ, वो ऐसे बनेगा कि वो इसके नॉर्थ का अपोज करेगा। और अपोज करने का मतलब इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, देन द साइड फेसिंग द मैग्नेट विल बिहेव एज अ नॉर्थ। और ये नॉर्थ होने के लिए मुझे इसको अकॉर्डिंग टू द रूल ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज थंब का डायरेक्शन क्या देगा, नॉर्थ का डायरेक्शन। अब अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया भैया रिंग को, तो करंट मेरे साइड आ रहा है, इमर्ज कहां से हो रहा है, तुम्हारी तरफ से, तो ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल माइनस। अब अगर मैं इस कॉइल को टर्न कराऊं ऐसे, तो ये सिरा क्या हो गया, माइनस, ये क्या हो गया प्लस। अगर मैं इसको ऐसे टर्न कराऊं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो ये वाला टर्मिनल माइनस और ये क्या प्लस, यही आपके लिए क्या है, लेंज़स लॉ है। तो लेंज़स लॉ के हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन अ सर्किट इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज अपोजिट द कॉज प्रोड्यूसेस इट, हिंदी में क्या होगा कि ये उसी कारण का प्रतिकार करता है जिसकी वजह से ये जनरेट होता है, ठीक है। बात आगे समझ में, ओके। आज की क्लास में हमें सीखना है मोशनल ईएमएफ, क्या सीखना है, मोशनल ईएमएफ। हिंदी वाले समझ गए होंगे, गतिकी ईएमएफ, एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम ही हमें बता देता है कि एन ईएमएफ व्हिच इज प्रोड्यूसेस बाय द मोशन ऑफ द मैग्नेट और मोशन ऑफ द कॉइल। एक ऐसा ईएमएफ जो या तो मैग्नेट के मोशन से जनरेट हो या तो कॉइल के मोशन से जनरेट हो, बट मोशन होना बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है, मस्ट कंडीशन है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपको बताया था मैंने, टोटल 4 पॉइंट्स हैं फ्लक्स में चेंज कराने के लिए। उसमें क्या था, एक था रिलेटिव मोशन। ऐसे ही आज की क्लास में हम सीखते हैं कि हम मोशन कितने तरह से करके फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन करने से पहले, वी कैन चेंज द फ्लक्स बाय मेनी वेज। हम फ्लक्स में बहुत अलग अलग तरीके से चेंज करवा सकते हैं हमारे फ्लक्स को, कैसे करवा सकते हैं। यू कैन रीड द फर्स्ट पॉइंट, मोशन ऑफ द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, कॉइल इधर इधर मैग्नेट। फ्लक्स को चेंज कराना है तो मैग्नेट को क्या करो, इसके पास लेके आओ, इसे दूर करो, तो यहां से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ कभी ज्यादा लिंक होगी, कभी क्या होगी, कम ज्यादा, दैट मींस यू आर डूइंग अ चेंजेस इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ पड़े पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो बहुत अच्छे समझना, रोटेशन ऑफ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इज इट ट्रू, क्या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर when you rotate the coil is there any kind of changes in the flux, iska matlab hai ki kisi magnetic field mein tum coil ko, jo coil tha mere paas mein, kahan gaya coil, ye jo coil hai, suppose kar lo ki electric field yahan se nikalte hue seedha wahan pe ja raha hai, aise nikal raha hai electric field, us electric field ke andar main is coil ko rotate kara raha hu, to kya iska flux change hoga, kaise, अगर अभी ऐसे है तो ज्यादा अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक होगी, यस और नो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इसका पूरा सर्कमफेरेंस यूज हो गया, नहीं आ रहा समझ, इसका पूरा सर्कमफेरेंस यूज हो गया, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो सभी जगह पे लिंक होगी। लेकिन अगर मैंने इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकली तो इसका ये वाला भाग ही क्या होगा, सिर्फ लिंक होगा, ये भाग नहीं हो पाएगा। समझ पाए, वैसे भी फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता ही है फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, लाइक फाई इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? E dot A. Same here we have equation of magnetic flux. You can see phi equals to B dot A. B का मतलब? Magnetic field. B मतलब? Boring. Magnetic field. A मतलब दुबे? Apple. अच्छा ये. B dot A. दुबे dot लाएंगे तो क्या आएगा? Cos theta. Cos theta. तो theta change कर रहे हो ना तुम? Coil को rotate कर रहे हो क्या कर रहे हो? Theta change. अरे भाई. If you are changing your theta, that means you are changing your magnetic flux. Clear हुआ यहाँ तक? तो मैंने आपको क्या बताया मोशन ईएमएफ का मतलब क्या है? The EMF which is produced by the motion of the magnet. एक ऐसा EMF जो किसकी वजह से जनरेट हो? मोशन की वजह से. अब हम क्या कह रहे हैं कि मोशन कराने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बहुत तरह से किया जा सकता है. उसमें पहला पॉइंट क्या है? मैग्नेट को मोशन कराओ विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल. सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉइल को घुमा दो तो भी एंगल चेंज होगा. यू आर चेंजिंग योर फ्लक्स. नंबर थ्री, बाई चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड. ये क्या है? जैसे कॉइल फिक्स है, कॉइल फिक्स है, तुम क्या करो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या करो? चेंज करो. कैसे कर सकते हो सोचो? आप यहां से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना चाहते हो तो दो तरीका है. एक तरीका यह है कि 100-150 आदमी को हाथ में मैग्नेट पकड़ा दो, किसी के पास 2 टेस्ला, किसी के पास 4 टेस्ला, 6 टेस्ला, बारी बारी से ऐसे लगा के. ये गलत हो गया. साइंस के स्टूडेंट हो, कोई दूसरा तरीका सोचो. हाउ कैन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड बाय स्विचिंग एनी टर्म्स. किसी चीज को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? अरे यार पढ़े हो, सोलेनोइड पता है? सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सोचो. B बराबर B equals to mu zero small ni. Can you change mu zero? कर सकते हो? नहीं, because it is a constant value. अरे 4π10⁻¹. Can you change small n? No. Constant. Can you change current? Yes. अगर आप I को change करोगे तो mu zero ni के according B क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. वही तो चाहते हैं साइंस के स्टूडेंट हो. ऐसा नहीं कि 10-12 मैग्नेट के अलग अलग टेस्ला लेके आप वहां एक्सपेरिमेंट करो. सिंपल सा एक सर्किट बनाओ, दैट इज योर सोलेनोइड. करंट को स्विच करना है, वोल्टेज को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, म्यू जीरो एनआई के हिसाब से बी क्या होगा? चेंज होगा. और लगातार बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से इस कॉइल के एरिया के साथ जो लिंक होगा वो अलग अलग होगा. बी ए अलग अलग हुआ तो फ्लक्स भी क्या हो गया? बदल गया. क्लियर हुआ पॉइंट? पॉइंट नंबर 4. अब आप ये सोच के बताइए मुझे, By changing the shape of coil, क्या कोइल के आकार में परिवर्तन करके हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं? हाँ कि ना? बोलो लड्डू. हाँ. कैसे? एरिया. आकार चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? एरिया. Very good. If you are changing the shape, that means you are changing the surface area. If you are changing the surface area, that means 100% you are doing some impact on your flux. Understood? हाँ ना? तो बोल सकते हैं. धन्यवाद. तो फ्लक्स में चेंजेस करने के कितने तरीके? 4. एक और होगा, टेक्स्ट बुक का कोई जरूरत नहीं इतना याद करने की. पहला पॉइंट क्या समझाओ? मोशन को किसको कराओ? मोशन मैग्नेट को. सेकंड पॉइंट, कॉइल को रोटेट कराओ. इससे क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन एंगल. एंगल चेंज, फ्लक्स इज गोइंग टू बी चेंज. नंबर 3, मैग्नीट्यूड. हाउ कैन यू चेंज द मैग्नीट्यूड? करंट को इंक्रीज डिक्रीज करके. और फोर्थ पॉइंट, चेंज द शेप ऑफ द कॉइल. ठीक है, तो ये तरीके हैं. अब मैंने डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन पे चर्चा करो. एन ईएमएफ एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड योर मोशनल ईएमएफ. गति से बनने वाला ईएमएफ होता है मोशनल ईएमएफ. इतनी तो बात पक्की है कि अब हम जो ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें मोशन होना चाहिए. कोई भी बॉडी मोशन करती है, जैसे एक बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली, फिर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली, तो ये स्पीड ही उसकी क्या है? वेलोसिटी. तो अब हमें एक ऐसा ईएमएफ का इक्वेशन चाहिए जिसमें क्या आ जाए? मोशन. यानी क्या आ जाए? वेलोसिटी. बात आई समझ में? अब डिपेंड करता है किसको तुम करा रहे हो. तो हमारे इस मोशनल ईएमएफ को डिराइव करने के लिए एक अच्छा सा सिमेट्रिकल डायग्राम सोचते हैं. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, what it indicates? Cross. पर चुके हो, you have already studied in cyclotron. Yes. ये सब cross क्या बता रहे हैं? These are showing a magnetic field lines. और ऐसी magnetic field lines बता रहे हैं, which is coming towards your eyesight and entering normally to this board. जो तुम्हारे आंखों से निकलते हुए इस board के सतह से अंदर घुस के पीछे की तरफ चले गए. Cross का मतलब inside. Dot का मतलब outside. ये क्या है? Cross. ठीक है, इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी हैव टेकन अ यू शेप वायर.
कैसा वायर यू शेप दिख रहा है यू इंग्लिश का वर्ड लेटर ऐसा हाँ। तो ये ऐसे यहाँ पे एक वायर हो पक्का कच्चा तो नहीं है ना ध्यान से समझना अब इस यू शेप वाले वायर को प्लेस करने के बाद सर्किट को क्लोज करने के लिए वी हैव टेकन अ रॉड ओवर हियर इसके ऊपर हमने एक रॉड रखा हैविंग लेंथ एल स्मॉल एल कैपिटल यू कैन टेक एनीथिंग स्मॉल एल लेंथ वाले रॉड का नाम यहाँ क्या दिया है ए बी व्हेन यू रोटेट दिस रॉड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड 101% इट इज अ इफेक्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ अब क्या फॉर्मूला पता नहीं बट कॉन्सेप्ट तो समझो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम किसको चला रहे हो कॉइल को या रॉड को रॉड को अभी कॉइल नहीं अभी क्या है ये रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है वेलोसिटी कितनी है पक्का तो अब उसके चलने से सर्किट में क्या जनरेट होगा ईएमएफ उसी ईएमएफ को क्या बोलेंगे मोशन कितना पता नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया है मोशन से वेलोसिटी से मिलने वाला ईएमएफ अब आप मुझे सोच के बताओ कि यहां पे जब ये इस साइड वेलोसिटी करेगा तो फ्लक्स लिंक विद द सर्किट क्या होगा एकदम इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूं फ्लक्स लिंक विद द सरफेस जब ये रॉड यहां पे था तो इसके साथ जो भी फ्लक्स लिंक हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का इनके साथ जब ये रॉड यहां जाएगा तो क्या फ्लक्स पे चेंज नहीं होगा कैसे एरिया बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा क्यों बड़ेगा। आप इसको ऐसे एक्सपांड कर रहे हो हाँ। तो एरिया क्या हो गया चेंज हो गया अरे अभी मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इतने भाग में लिंक है सिर्फ इतने भाग में ये तो खाली है पूरा जब ये रोडवा को तुम उठा के वी वेलोसिटी से इधर करेगा तब यहां तक लिंक हो जाएगा होगा रॉड के साथ में लिंक होगा इसके साथ में इतना हो गया That means what you are doing? Changing flux. अगर flux में change किया, तो कौन से बाबा ने law दिया है? Faraday. Lenz नहीं, Faraday. E is equal to कल ही पढ़ा है. Minus d phi by dt खत्म हो गया ना. आई बात समझ में? Flux में change कराएंगे तो EMF मिलेगा. अब वो EMF कौन सा EMF है? Motional EMF. तो चलिए पहले flux सोचिए. तो flux का formula होता है magnetic field. मल्टीप्लाई एरिया मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बी से रिप्रेजेंट करें किससे बी से और एरिया को हम अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो एरिया की जगह पर क्या आएगा एरिया बराबर स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेथ तो लेंथ हमारा एल है और जो ये जो चेंजेस आया इसके अंदर उसको आप क्या सपोज कर लो डेल्टा एक्स अच्छा डेल्टा क्यों लिया चेंज है अपने को क्या पता कितना मीटर पर सेकंड का है कितने मीटर स्क्वायर का है चेंज है इसलिए हमें क्या लिखने का डेल्टा एक्स ये क्या निकल गया फाइ अच्छा कैन यू राइट फाइ इज इक्वल टू बी एल डी एक्स एज वेल एज डेल्टा है स्मॉल एलिमेंट को हम क्या लिखते हैं डीएक्स ही लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फैराडेस लॉ बाय यूजिंग फैराडेस लॉ E is equal to what? Minus d phi by dt. आगे nth करते हैं, जब सर्किट में कितने कॉइल होते हैं? N टर्न्स होते हैं। Is there any kind of coil? No, coil नहीं है, rod है। तो number of turns one है। Now E is equal to minus d upon dt. Look at the value of phi. What is phi? It is b l d x. How easy it is. Change क्या हो रहा है इसमें से? X. B और L क्या है? Constant. बाहर फेंक दो। तो माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी तो माइनस बी एल ए भैया डी एक्स अपॉन डी टी होता क्या है वेलोसिटी पढ़ चुके हो ना छोटे बच्चे हम लोग बी एल वी तो ये आ गया ईएमएफ का नया फॉर्मूला बी एल वी इसे ऐसे भी लिखेंगे माइनस बी वी एल बच्चा पढ़ी माइनस क्यों आ रहा है लेंज ने क्या बोला था ईएमएफ उस डायरेक्शन में बनेगा जिस वजह से वो बन रहा है उसी का क्या करेगा अपोज करेगा यानी इसको इधर हम लेके जा रहे हैं तो ये क्या चाहेगा कि ये इस तरफ रहे जैसे ये नॉर्थ हम चाहते हैं इधर रहे तो ये क्या चाहेगा कि तू भाई वहीं पे रहे इसलिए रॉड अगर इधर है तो ईएमएफ इस तरह से जनरेट होगा कि इस डायरेक्शन में रॉड आ जाए
फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू माइनस बिहेवियर। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, यही है या डॉट आता है? डॉट आता है ना। डॉट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में बनने वाला एंगल। सोचो क्या यहाँ पे बी और ए के बीच में एंगल वाकई जीरो है? क्योंकि अगर वो 90 होता तब तो cos 90 क्या होता है? जीरो। बट यहाँ मैंने cos जीरो लिया है, अब वो आपको सोचना है कि why I have taken cos zero over here। parallel है। इस सरफेस का एरिया किधर होगा, इस रॉड का एरिया किधर होगा अगर ये इस तरफ चल रहा है? तो रॉड ऐसे है, रॉड को इधर चला रहे हो, तुम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एरिया किधर है इसका? परपेंडिकुलर टुवर्ड्स आइसेक। पक्का है कच्चा? ये रॉड इधर चल रहा है ना, तो रॉड इधर चल रहा है तो इसका एरिया इज टुवर्ड्स योर आई साइड ओवर हियर। और मैग्नेटिक फील्ड वा किधर था? बुड़वा के अंदर, बराबर। तो अब अगर ऐसे सोच लिया तो एंगल कितना बना? गलत हो गया। अच्छे से सोचिए, ये जो सरफेस है आपने एरिया किसका लिया? रॉड का लिया एरिया, एक शेप का लिया ना, वो शेप कौन सा है? रेक्टेंगुलर शेप। पक्का? रेक्टेंगुलर शेप कौन सा है? पी ए डैश बी डैश और फिर क्यू, या ऐसा कह दीजिए ए ए डैश बी और फिर बी डैश। तो अगर ये एक सरफेस है तो इस सरफेस का एरिया किधर होगा? सरफेस ऐसा है, या तो ऐसे या तो इस साइड। अगर तुम इधर हो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर था? इस साइड। मैग्नेटिक फील्ड इधर, तुम इधर, एंगल 180। कॉस 180 की वैल्यू जीरो नहीं होती, माइनस वन होती है, ठीक है। मान लो कि तुम इस साइड खड़े हो, इधर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तुम भी इधर, एंगल जीरो। कॉस जीरो और कॉस 180 की वैल्यू देखा जाए तो कॉस जीरो के बाद कॉस 180 की कितनी होती है? माइनस वन। दोनों केस में फ्लक्स जीरो नहीं हो सकता। बात आई समझ में? पहले जो मैंने बोला आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि आप ऐसे, कोई बच्चा ऐसे टीचर ऐसे बताए तो गलत है कि एरिया इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है। अगर एरिया इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना बना? 90। कॉस 90 के हिसाब से जीरो हो जाएगा, बट रियल में कॉस जीरो कितना होता है? 1। कॉस जीरो कैसे बनता है? तो ऐसे समझाने का कि ये सरफेस है तो एरिया या तो इधर हो सकता है या तो अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, एरिया भी अंदर, तो एंगल कितना? जीरो। अंडरस्टूड? So this is all about motional EMF.